अच्छा वीरो, अजकल रिवर्स माइग्रेशन ते वीडियोस मैं बहुत पा रहा हाँ। ते आ वीर जी आ जड़े बिक्रमजीत सिंह जड़े, इन्हों का मैसेज आया सी वीर, जिड़े माँ प्यो ही ना मुड़न देंदे होन वो बेचारे की करन। मैं 2015 विच पक्का वापस चले जाना सी, घरद्या ने नहीं मुड़न दिता। देखो वीरो, गल इदा आ कि माँ बाप तो रब का रूप होंगे आ, लेकिन हुंदा की आ कि माँ बाप भी कई बार मजबूर हो जाते आ। घर दे विच एक मूर्ख बच्चा जे पैदा हो जाए तो माँ बाप का जिहड़ा वह ध्यान आ वह सारा मूर्ख बच्चे दे वल चला जाता आ। उन्हां नूं इदां लगदा आ कि इत्थे जिहड़े जी उन्हां नूं नज़र आ रहे आ उन्हां नूं मैं किवें सैट करा, क्योंकि जिहड़ा बाहर चला गया हुंदा आ उहदे दुख जिहड़े उह उन्हां नूं नहीं पता लगदे, क्योंकि दूर बच्चा बैठा हुंदा आ। और हमेशा ये गल तुसीं देख लईओ कि जदों बच्चा माँ बाप दे कोल होवे, मूर्ख होवे ते दुखी होवे, ते माँ बाप नूं जिहड़ा वह बच्चा जिहड़ा आ उह प्यारा लगदा आ, ते उहदे लई उह कुछ भी करदे आ। सो माँ बाप दीआं बहुत सारीआं मजबूरीआं हो जांदीआं आ कई वारी रिश्तेदारी च जां होर बहुत सारीआं चीज़ां। सो वीरो, करना की आ, हमेशा इस करके मैं कहना आ कि अपना परसनल अकाउंट जरूर रखो, अपनी घरवाली तो दूर, अपने बच्चियां तो दूर, जो कि सिर्फ तुहाडा ते तुहाडा होवे। देखो वीरो, गल्लां करनियां बहुत सौखियां आ, मेरे को जिंदगी दा बहुत, चलो मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत कुछ देखिया होया, लेकिन अपनी छोटी जी उम्र दे विच ते मैं जिहड़ा ना एक्सपीरियंस ही जिहड़ा वह गेन किया आ। मैं पैसा नहीं कमाया बाहरले मुल्कां दे विच, रिश्तेदारी यारी दोस्ती इधर उधर जिहड़ा ये सिस्टम आ, मित्र प्यारे, मैं सारा कुछ देखिया होया। और मैं जिहड़ा निचोड़ उहदा कढ के तुहानूं दसदा आ, अज चार बंदे देखण लग पए आ, नहीं तो यही लोग सी मेरे नाल, घट्टो घट 500 मुंडा काम करके गया आ, और मेरा मजाक उड़ाते होंगे सी मुंडे, सारे मुंडे ऐसे ऐसे मुंडे मेरे नाल काम करके गए आ, जिन्हें मतलब कि हुण मैं जेकर तुहानूं कहां कि लैवल, वीरो लैवल दे भी दो तरह के मतलब होंगे आ। लैवल का मतलब ये नहीं होंगे कि पढ़ाई लिखाई, लैवल का मतलब ये होंगे कि अगला बंदा तुहाडी गल समझ पा रहा है या नहीं, इनू एक लैवल कह देंगे। और मैं अपने नाल ऐसे ऐसे मुंडिया के नाल काम किया आ, जिन्हों समझाने की कोशिश भी की, जो कि मेरे उपर हसते होंगे सी, मजाक करते होंगे सी। चलो परमात्मा उन्होंने भी तरक्की दे, तो सानू जिहड़ी मतलब कि जो सानू रब दे रहा आया सी तो शुक्रगुजार है ही है। सो गल इत्थे आ जाती आ कि भैन भरा, मैं बहुत लोगों को यह बार बार कहना आ वीरो, भैन भरा सगे संबंधी, देखो हर बंदे नू अपना जिहड़ा वह लालच हुंदा आ। तुसी अपनी किसी भैन दे कोल बाहर चले जाओ, तुहाडा जीजा तुहानू एक्सपलॉयट करेगा, तुसी अपने किसी जिहड़ा भरा दे कोल चले जाओ, जे उहदी वाइफ होएगी तुहाडी भरजाई वह तुहानू एक्सपलॉयट करेगी। चाचे ताए तां मतलब कि इह तां बहुत जिहड़ा तुसी कह लो बहुत दूर दीआं गल्लां आ, इह तां कोई मायने नहीं रखांदे, तां इंडिया च नहीं मायने रखांदे। और चाचे ताइआं दे मुंडे, चलो मैं कहना कि 100 चो जे 10 बंदिआं दे चंगे आ, परमात्मा मैं कहना 100 चो 100 दे चंगे होण। सो इत्थे डिपेंड करता है कि तुसी लक्की किन्ने का, पिछे तुहाडे पैसे सामण वाले जिहड़े जी आ वह किन्ने क ज़्यादा समझदार आ। सो जेकर तुहानू माड़ी जी भी शंका लगती है तो पैसे नू जिहड़ा आ उह अपने अकाउंट दे विच रखो, अपने कोल सामभ के रखो, क्योंकि वीरो बार बार मैं ये गल कह रहा आ। और देखियो ये गल्लां 5-7 साल बाद समझ लगनियां आ, क्योंकि हुंदा अक्सर यही आ जिहड़ी गल मैं साल 2 साल पहला कहना आ वह गल जिहड़ी आ 4-5 साल बाद पता लगती आ। और वीरो, मैं एक पीक दी अमीरी दे लोगों के नाल भी रहा हुआ हाँ, जिहड़े कि तुसीं कह लो कि रेंज रोवरा मरसड़ियां ऑडियां तो थले पैर नहीं रखते। और मैं पीक दी गरीब बंदे जिन्हां को मतलब कि खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, रोटी और कपड़े पाने नहीं होंगे, वह गरीबों के नाल भी रहा हुआ हाँ। सो मैनू पता आ कि यह अमीरी ते गरीबी दे विच की मतलब कि अंतर आ, की सुख आ की दुख आ। और इस करके मैं निचोड़ तुहानू कढ के दसदा आ कि अपना पैसा जिहड़ा आ वह जरूर सेव करो, और अपनी जिहड़ी आ एक जिहड़ी सिंपलीसिटी, सिंपल लाइफ बतीत करन दी कोशिश करो। जिन्ने सादे होंगे उन्ने ही जिहड़े जिंदगी दे विच खुश रहोगे, घराड़े मार के सौंगे रात नू कोई टेंशन नहीं, सवेरे छाला मार दे उठोंगे कोई बीमारी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, चेहरे ते खुशी रहेगी, खिड़े रहोंगे, कोई बंदा मिलेगा उन्हूं गज के फतेह बुलाऊंगे। सो ये चीज़ा आ वीरो, माँ बाप का कोई कसूर नहीं। मैं तुहानूं दस्सिया कि मूर्ख जिहड़े आ कई वारी घर दे विच जी हुंदे आ, तो उन्हां तों बचा करन दे लई जिहड़ा आ
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜੋ ਵੀਰੋ, ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜੋ। ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਛ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।